सुप्रभात। आज मैं क्लास फोर विषय हिंदी पाठ सिक्स है और शिक्षक का नाम है तेनालीराम। बच्चे तेनालीराम का नाम सुना होगा पहले भी। तेनालीराम बहुत हाजिर जवाब थे। अब आइए हम इनकी कहानी को पढ़ें और समझें। सबसे पहले प्रस्तावना पर आइए। हाजिर जवाब का गुण हर किसी में नहीं होता है। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम का एक व्यक्ति ऐसा ही हाजिर जवाब व्यक्ति था। राजा का क्या नाम था? कृष्णदेव राय। अब आइए पाठ्य पुस्तक की ओर हम चलते हैं। आप लोग भी किताब को निकाल लीजिए। बहुत समय पहले की बात है, हमारे देश के भाग में एक राज्य था। उस राज्य का नाम था विजयनगर। उन दिनों विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे। अब प्रश्न उठता है कि विजयनगर के राजा कौन थे? तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे। और एक और प्रश्न उठता है कि विजय कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो इसका आंसर होगा विजयनगर के। अब हम आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अनेक विद्वान थे, उनमें से एक थे तेनालीराम। वे बहुत ही बुद्धिमान थे। राजा तेनालीराम को बहुत चाहते थे। एक बार राजा दरबारियों के साथ घूमने निकले। घूमते घूमते हुए एक बाग में जा पहुंचे। राजा कहाँ जा पहुंचे? तो एक बाग में। वहां तरह तरह के फूल खिले थे। राजा बोले, इन फूलों को देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। ये भला बताइए कि इनकी मुस्कान क्या कह रही है? एक दरबारी बोला, महाराज ये फूल कह रहे हैं कि हम बहुत सुंदर हैं। फिर भी राजा कृष्णदेव राय के आगे हम सब भी सॉरी फिर भी राजा कृष्णदेव राय के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। कौन कहा? एक दरबारी ने कहा। दूसरा बोला, ये फूल कह रहे हैं कि हमारे महाराज जैसा धरती पर कोई है ही नहीं। अगर कोई हमें माला में पिरोकर महाराज के गले में डाल देता तो कितना अच्छा होता। तुम क्या कहते हो तेनालीराम? राजा तेनालीराम से बोले। अब देखिए तेनालीराम क्या बोलते हैं। तेनालीराम बोले, महाराज फूलों का काम मुस्कुराना है। कोई उनकी प्रशंसा करे या निंदा, वे तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। तेनालीराम क्या बोले, फूलों का काम क्या है? मुस्कुराना। राजा बोले, तुमने चापलूसी न करके सही बात कही। तेनालीराम, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। लो यह फूल, मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। तेनालीराम को किसने फूल भेंट किया? तो राजा ने। क्यों भेंट किया? क्योंकि उसने चापलूसी न बोल करके सही बात बोली।
इतना कहकर राजा ने गुलाब का फूल तोड़ा और उसे तेनालीराम की ओर बढ़ा दिया। इस तरह तेनालीराम केवल सच बात को ही कहते थे, किसी को खुश करने के लिए वह कभी झूठी बात नहीं कहते थे। राजा कृष्णदेव राय इसी कारण उनका सम्मान करते थे। किनका सम्मान करते थे? तो तेनालीराम के कारण, क्योंकि तेनालीराम कभी झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन यही कारण था कि उनसे जलने वाले भी कम नहीं थे। जलने का मतलब होता है ईर्ष्या करने वाले। राजा तेनालीराम को मानते थे इसलिए, और दरबारी जो था उस वे तेनालीराम से ईर्ष्या करता था। एक बार एक दरबारी ने तेनालीराम को अपने घर बुलाया। उसके यहाँ बहुत से ताजे खरबूजे आए थे। खरबूजे तो तू लोग खाया होगा जरूर, गर्मी के मौसम में मिलता है। उसने कुछ और मित्रों को भी खरबूजे खाने के लिए आमंत्रित किया था। आमंत्रित का मतलब होता है निमंत्रण। सभी लोग खरबूजे खाने बैठे। तब तेनालीराम को बेइज्जत करना चाहा। कौन बेइज्जत करना चाहा? एक दरबारी ने, जो तेनालीराम को अपने घर पर बुलाया था। वह जो खरबूजे खुद खाता उनके छिलके तेनालीराम के आगे रखता जाता। जब सारे तरबूजे खत्म हो गए तब दरबारी बोला, मित्रों तेनालीराम कितने भुलक्कर हैं, देखिए इनके सामने कितने छिलके पड़े हैं। इससे पता चलता है कि हम सबसे अधिक तरबूजे खरबूजे इन्होंने खाए हैं। तेनालीराम को जवाब देने में जरा भी देर न लगी। वे दरबारी से तुरंत बोले, क्षमा कीजिएगा, मुझसे अधिक भुलक्कर आप हैं। भुलक्कर का मतलब होता है भूलने वाला। मैंने खरबूजों को के केवल गूदे खाए और छिलके फेंक दिए हैं। आपको लगता है छिलके भी खाते रहे हैं, कारण कि आपके सामने एक भी छिलका नहीं है। अब क्या हुआ? जब ये बात दरबारी सुना तो दरबारी का सिर शर्म से झुक गया। बच्चे हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए। सही बोलने वाले का सिर सदा ऊंचा रहता है और जो झूठ बोलता है उसका सिर झुक जाता है। धन्यवाद।